दिख नहीं रहा कुछ रे पक्का ये मेरा है गिफ्ट शर्मा पापा से लपटा हो गया रो ही रहा है क्या मुबारक हो तुमको ये गाड़ी तुम्हारी बच्चों का हो तो हमारा नेक दे दे बर्फी तो हम खाई जाएंगे ना गाइस हम खा रहे हैं खाना ये रहा हमारा खाना गाइस ये हमारे छोले हैं आलू छोले और ये आलू लोबी की फली सब्जी फली चल रही है इसकी सब्जी है आलू फली की और ये हमारा रूह अफ़ज़ा है ये रहा ये आलू फली की सब्जी और ये हमारे सलाद और ये हमारा देसी घी और ये हमारे छोले रोटी सब खा रहे हैं बिरयानी तो रखी नहीं बिरयानी गर्म हो रही है आजा दोस्तों सुबह का हम नाश्ता कर रहे हैं नाश्ता क्या खाना एक साथ होता है हमारा एक साथ आप आजाइए भाई आपका स्वागत है आजा बिस्मिल्लाह पढ़ो हमारे साथ ओवन में हो रही है मेरी बिरयानी गर्म बहुत ज्यादा गर्म हो गई है तो मैंने अभी अपने लिए थोड़ी सी ही गर्म करी है बिरयानी जैसे धुआं उठ रहा है बिरयानी में से भाई मैं तो इससे पकड़ लूँ लो में गरम होगी प्लेट हाँ प्लेट गरम है आराम से जल्दी से पकड़ के रखो नीचे को सब खाते हैं हम खाना सब खाना खा के मिलते हैं थोड़ी देर बाद गरम गरम बिरयानी तो गाइस हमने खा लिया है खाना और मेरी अम्मी इतनी प्यारी हैं बर्तन धो रही हैं मेरे हिस्से की आज मेरी थोड़ी तबीयत ढीली है कोई बात नहीं गाइस माँ को फिर भी करना पड़ता है बच्चे करें ना करें सुबह का सारा खाना भी अम्मी ने बनाया छोले तो इतने टेस्टी बनाए थे आलू फली ये मैंने बिरयानी नहीं खाई सिर्फ छोले ही खाए बिरयानी से ज़्यादा टेस्टी छोले लग रहे थे और गाइस आज मैं आप सबको एक बात बताने वाली हूँ पापा देने वाले हैं फरजान को आज एक सरप्राइज़ फरजान गया हुआ है अपने फ्रेंड के यहाँ शादी में और रात तक ही आना होगा उसको तो पापा देने वाले हैं फरजान को एक सरप्राइज़ आप लोग हमारे साथ बने रहना कि पापा आज देंगे ना हैं आज सरप्राइज़ का इंतज़ाम करेंगे आज फरजान के सरप्राइज़ का इंतज़ाम करेंगे पापा तो आज उसे हम एकदम चौंकाने वाले हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहना और कमेंट में बताना हमारा ये सरप्राइज़ फरजान का के साथ कैसा लगा पता नहीं उसे कैसा लगेगा सरप्राइज़ हमारा है अम्मी खुश हो जाएगा वैसे हाँ वैसे आप मेरे टाइटल देख के और थंबनेल देख के समझ ही जाएंगे तो चलते हैं थोड़ी देर में अभी हम फूफा का वेट कर रहे हैं फूफा आ जाए हमारे फिर फूफा के साथ में चलते हैं पापा मैं और फूफा तीनों जाएंगे अम्मी और मैं वैसे हम कल एक बार होकर आ चुके थे उस जगह से और अम्मी जो है देखकर आ चुकी है क्या सरप्राइज़ है तो आज हम जाएंगे पापा मैं और फूफा जल्दी से हो जाती हूँ मैं तैयार फिर मिलते हैं आपसे आपको भी लेकर चलते हैं भाई चलते हैं हम जल्दी से पापा और मैं जा रहे हैं फूफा हमारे वहीं मिलेंगे डायरेक्ट हमें चलते हैं जल्दी से गाइस आ चुके हैं हम जहाँ हमें आना था तो गाइस पापा देने वाले हैं फरजान को जो सरप्राइज उसके लिए हम आ चुके हैं तो आप समझ ही चुके होंगे हम क्यों आए हैं हम आए हैं फरजान के लिए बाइक लेने के लिए तो ये लगी हुई हैं सारी बाइक्स गाइस फूफा का हम यहाँ वेट कर रहे थे मगर फूफा किसी काम की वजह से नहीं आ पाए उन्हें इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया ये शायद वो काम पर बिजी हैं तो इस वजह से नहीं आ पाए पापा और मैं ही आए यहाँ पर देखते हैं खुद ही
गाड़ी हमने ले ली है, पापा कैश पे करने जा रहे हैं। गाड़ी में आपको दिखाती हूँ हमने कौन सी पसंद करी है फरजान के लिए। ये वाली गाड़ी है सुपर स्प्लेंडर, ये पापा को पसंद आई है फरजान के लिए। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। पापा कैश काउंटर पे करने के लिए गए हैं पैसे, मगर ये लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी आपको आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी नंबर प्लेट के साथ। इनकी कोई पॉलिसी वगैरह है, कुछ रूल्स हैं इनके कि गाड़ी आपको कल मिलेगी। तो आज हम गाड़ी के मतलब पेमेंट वगैरह सब कुछ करके अब हम घर चल रहे हैं, फिर तो उसके बाद हम कल आएंगे गाड़ी देने के लिए। तो आज हम फरजान को कुछ भी नहीं बताएंगे कि हम क्या करके आए हैं क्या नहीं किया, तो अब हम सब कल ही सरप्राइज़ देंगे जब गाड़ी हमारे पास घर पर आ जाएगी। तो आई जा गए हैं हम घर, और वहाँ बैठे बैठे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, थक गए क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है, कभी कुछ कभी कुछ। पापा तो आए नहीं थे, हाँ तो पापा और फिर मैं ही चलेगा, मैंने कहा कैश पे वो तो करना था, गाड़ी तो देख रखी थी। हाँ तो फरजान को बताना नहीं है बिल्कुल भी, तो गाड़ी हमारी कल आएगी। हाँ गाड़ी कल आएगी, वो नंबर प्लेट वगैरह लगा के उनके कोई रूल्स वगैरह तो होंगे ना, तो इसके बाद देंगे। कल मिल जाएगी 2:30 बजे। तो फरजान को हम जब तक कुछ भी नहीं बताने वाले जब तक हमारी गाड़ी आ नहीं जाती, ठीक है ना। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, पानी वानी पी लूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, फिर मिलते हैं आपसे। The next day. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज था जुमा, जुमे की नमाज़ पढ़ के और हम अम्मी और मैं अब फ्री हुए हैं, और फ्री होने के बाद अब जा रहे हैं अम्मी और मैं फरजान के लिए सरप्राइज था उसको लेने के लिए, जिसके आपको मैंने बताया था कि बाइक लेने के लिए, आपको तो है पता ही सब कुछ। तो जब मैंने फरजान के लिए बाइक देखी थी वो कल तो मिली नहीं थी, तो आज वो मिलेगी, तो आज हम लेकर आ रहे हैं। फरजान गया हुआ है अपने दोस्त के भाई के वलीमे में, तो सुबह से फरजान तो वहीं है, और बहुत अच्छा हुआ कि फरजान घर पर नहीं है, तो फरजान को हम सरप्राइज ही देंगे, हमने उसे अभी तक बताया भी नहीं है। तो बस अब हम जा रहे हैं बाइक लेने के लिए, तो चलते हैं गाइज, आपको भी साथ में लेके चलते हैं। पता नहीं फरजान का रिएक्शन कैसा होगा, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं है कि हम उसे इतना बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। हाँ जी। तो बच्चे यहाँ ट्यूशन आ चुके हैं, शाइन गेट खुल रही है और हम चलते हैं। गाइस आ गए हैं हम शोरूम पर, अम्मी पीछे रह गई, अम्मी आओ। अम्मी को बड़ी खुशी हो रही है अपने लाल के लिए बाइक लेकर, है अम्मी है ऊपर। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है वो और पूरी करनी है, फिर उसके बाद गाड़ी हमारे हाथ में। तो गाइस मुझे मिल गया है ये हेलमेट, और ये रही हमारी बाइक। मैंने अम्मी को पकड़ा दिया हेलमेट, तो हेलमेट पकड़ो। तो गाइस अम्मी और पापा हो चुके हैं गाड़ी पे सवार, बस मेरे बैठने की देर है, मैं ही बैठती हूँ। अरे भैया अच्छा अच्छा ऐसा
वैसे मैंने समझा था कर दियो एक बार। अरे आज हम चाहिए बात कर रहे हैं हो गया ना मैं आज हम लग जाना पापा लेने मेरा फोटो लो फोटो। हमारी गाड़ी आ चुकी है हम उसे कर रहे हैं अंदर क्योंकि फरजान आया है सरप्राइज देना है उसे तो हम इसे अंदर करके खड़ी कर देते हैं। पापा और फूफा कर रहे हैं इसे अंदर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लग रहा है। आज मेरी गाड़ी आ गई। चलो बढ़िया है। लो बेटा तुम ऐसा करो हाँ मिठाई तो लिया। अच्छा मिठाई भी आई तो लानी पड़ेगी भाई बार मीठा मुँह तो कराना पड़ेगा जो घर में सर्वा चाचा भी सुखाना भी आ रही है भी है ना चलो तो उसको देना पड़ेगा भाई। तो गाइज मैंने पैसे ले लिए हैं ठीक है बर्फी आधे किलो का डिब्बा लिया होगा तो ठीक है गाइज अभी मैं जा रही हूँ मिठाई लेने के लिए चलते हैं बाद में मिलेंगे ठीक है। वो तो फरजान से लेंगे वो तो फरजान से गाड़ी उससे लेंगे से ले लेना। तो चलते हैं गाइज मिठाई लेने के लिए। तो गाइज मैंने यहाँ से मिठाई ले ली है और अब चलते हैं। मैं आ गई हूँ गन्ने के रस की दुकान पर और मैं पीऊँगी गन्ने का जूस। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। घर जा चुकी हूँ मैं घर। लो भाई दोस्तों आलू आ चुके हैं आलू मिठाई दही सब कुछ आ चुका है। सामान जरूरी है मिठाइयां तो सब लोग बांटते हैं हम लोग आलू बांटेंगे आलू बांटेंगे आज पापा आलू बांटोगे तुम आलू बांटेंगे आलू और लालू हमेशा सदाबहार है कभी खत्म नहीं हो सकता। मिठाई से मन भर जाएगा आलू से मन नहीं भरेगा तो बांटने की चीज है आलू हमेशा सेलिब्रेट करो तो आलू के साथ। अच्छा आलू हमेशा चालू आलू के साथ बांटे नहीं होंगे आज तक ये हम आलू बांटेंगे। क्या आप आलू खाना पसंद करेंगे? अरे आलू आप आलू खा लोगे ना? नहीं नहीं आलू खाएंगे तुम्हारा खा लू मिठाई नहीं भाई अब तो आलू खिलाएंगे इसलिए ना आलू ये आलू तो लेकर आइए खालू के लिए और मिठाई लेकर आइए चाचा के लिए। तो भाई खालू हमने भाई हमने किसी की चीज को नजर नहीं रखी आज तक खालू तो कहेंगे आप क्या आलू खिलाएंगे मिठाई खाएंगे हम भी आलू कहेंगे। दोस्तों ये चीज आई है चाचा के लिए जो हमें और ये है आलू अब आने वाले है खालू खालू खाओ और सबको खिलाओ अरे आप तो खाओ जी हम भी लेंगे आप सब भी खा लीजिए हमारी बाइक की खुशी में आ चुकी है मिठाई अब है सिर्फ फरजान के आने का इंतजार क्योंकि फरजान आएगा उसे देंगे हम सरप्राइज। गाड़ी हमने अंदर खड़ी कर दी है मिठाई भी मैंने ला ली है और ये रही और उससे मैं लूंगी अपना नेक गाड़ी का वो तुम्हें तीनों बहनों को देगा बिल्कुल देगा क्यों नहीं देगा हर्षी को भी देगा उसका हक है देने का हर्षी सिमरन मुस्कान तीनों का हक है और एक फुप्पो तुम्हारी सुल्ताना बिल्कुल ठीक है जी। बहन है बहनों को देना पड़ता है जो बहन है बहनों को देना पड़ेगा। तो फरजान के आने का वेट करते हैं बस आने ही वाला होगा वली में गया हुआ है वो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी कि हम उसे इतना बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। वैसे तो हमने सोचा था कि उसके बर्थडे पे देंगे नवंबर में देती मैं नवंबर में उसके बर्थडे पे देंगे मगर पापा कह रहे लगे नहीं चलो ले लो यूज की चीज है घर में भी काम आती है क्योंकि एक ही गाड़ी है हमारे पास स्कूटी है पापा बोलने लगे दो हो जाएंगी तो आप लोग भी कहीं आने जाना लगा रहता है हम लोगों का सॉरी तो इस वजह से हमने बाइक भी ले ली पापा की स्कूटी फरजान के लिए हमने ये बाइक चला करना है प्यार से गाड़ी चला करना है हाँ बड़े आराम से बड़े मजा आया बैठ के मुझे गाड़ी पे फीलिंग अलग आती है ना कि नई नई गाड़ी पे जब बैठा तो फीलिंग आती है पहले मैं स्कूटी पे आई थी
तो जब बल्ले दिलवा के लाया था स्कूटी स्कूटी बाइक थी मैं वैसे मैं गन्ने का रस पी के आई हूं जब भी मैं स्कूटी बैठ कर आई थी अभी गाइस भी बाइक पे बैठ के आई हूं बहुत अच्छा लगा मुझे तो गाइस वीडियो में बने रहना जब फरजान आएगा तो मैं आपको उसके एक्सप्रेशन दिखाऊंगी कि वो कैसे शॉक होने वाला है भी आने वाली है ठीक है फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गाइस फरजान आ चुका है ब्लॉग में फरजान मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ मेरा दिमाग खराब है चल क्या दिखाएगी कुछ दिखाऊंगी चल आप तो अपना कर ले चल गिर गई आराम कर लिया स्कूटी अंदर भी बड़ी कर दी है स्कूटी जिम जाऊंगा मैं बाहर निकाली था बच्चों के लिए सही करते हैं जी की चीज को लेकर खुश ना हो कैसे लग रही है कैसे लग रही है गिफ्ट उम्मीद थी तुझे कैसा कुछ होने वाला है सही है पहले फूफी का करा अपनी जैसे छोटी सी को छोटे से कहीं लिया था तैसे को समझ को करा भैया का खिला अच्छा मुबारक हो तुमको ये गाड़ी तुम्हारी कैसा लगा तुम्हें कैसा लगा मजा मजा आ गया पापा का मिठाई से फ्री हो चुका हो तो हमारा नेक दे दे बर्फी तो हम खाई देंगे तो नेक दे नेक नेक दे ले कर लो अम्मी मैं 100 रुपए दिलवाऊंगी अभी ले लो अरे रख लो बजट अलग दे दूंगा सबको दूंगा मैं ऐसा बात नहीं है अरे वाह समझ रहे अभी चलो कोई नहीं मजा आ गया बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश चल रहे हैं रूपा अरे मुझे रहना था भाई अरे लॉर्ड अच्छा भाई चलो मुबारक हो बहुत सबको दे दिए सबको दे दिए भाई पैसे सबको मिल गए भाई अभी कुछ भी नहीं दिया बस बच्चों को थोड़ा सा नेक दिया है अभी इनको खुश कराइए थोड़ा सा टाइम के बाद आपको दिखाएंगे तो चलते हैं गाइस खाना खाने के लिए और कैसी लग रही है आपको हमारी ये बाइक कमेंट में जरूर बताना और मैं अपना फोटो शूट कर लेती हूँ इस पे बैठ के इसमें चार्जिंग भी करते हैं हम खाएंगे खाना मैं निकाल लेती हूँ साफ है प्लेट वैसी प्लास्टिक इसकी ये सोयाबीन की चाप बनी है हमारे यहाँ हाँ ये चाप है हमने काट दे इनको लंबी लंबी दे दी है समझ खाना खा ले समझ खाना खा ले
लाल परी समझ लाल परी हो रही है। दोस्तों आज की वीडियो यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना, बाय बाय। और हमारा ये सरप्राइज फरजान को देने का आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं आज के कमेंट पढ़ना शुरू करती हूँ। तो फर्स्ट कमेंट है मोहम्मद कैफ, इन्होंने लिखा है कि आप जामा मस्जिद पर जब भी आएँ तो कमेंट करके आएँ, बताकर आना, मतलब मैं हम जब भी आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बताकर आएंगे। सेकंड कमेंट है रोशन, ये लिख रही हैं कि आंटी के गाल हैं या टमाटर, तो सच में आंटी के गाल नहीं है, ये टमाटर हैं। आपने टमाटर समझ लिया मेरे गाल। उसके बाद हैं स्वीटी, हैप्पी मदर्स डे, अल्लाह पाक आप सबके अम्मी अब्बू का साया हमेशा सलामत रखे, और अल्लाह पाक आप सबके अम्मी अब्बू को लंबी जिंदगी उम्र दराज करे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक सच में ही सबके अम्मी अब्बू को हमेशा सही सलामत रखे। उसके बाद हैं नगमा, इन्होंने लिखा है हैप्पी मदर्स डे, तो थैंक यू सो मच नगमा। फिर इसके बाद हैं ताहिर, इन्होंने लिखा है बहुत बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। फिर हैं नदीम, इन्होंने लिखा है भाई साहब आपने तो मजे ही बांध दिया, तो थैंक यू सो मच। तो बस आज के कमेंट में इतने ही पढ़ूंगी क्योंकि मेरे पैरों में मोच भी आ चुकी है, मेरा दर्द हो रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।